भले ही मरने के बाद मनुष्य का अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व हमेशा उसे समाज में स्थान दिलाता है। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी का सिर उनके सम्मान में झुक जाता है। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके सामने आज की नई स्टोरी लेकर। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाने जा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि आपका व्यक्तित्व अगर अच्छा हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं और व्यक्तित्व क्यों आपको अच्छा रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राजा था जिसका नाम था रामधन। उसके जीवन में सभी सुख थे, राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहती थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह बहुत ही अच्छा था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजा थोड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। फिर कई मन्नतें मांगने के बाद, हवन पूजा करने के बाद राजा की ये मुराद भी पूरी हो गई। राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा के इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। राजा ने राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा। बहुत पूजा पाठ और लंबे इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी बात की भी हो अच्छी नहीं होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अधिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते ही उसकी बातें बदतमीजी लगने लगी थी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। नंदन के व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर भी लज्जा से झुक जाता था। ये गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों और मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही। राजा राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। फिर मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन के लिए आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर लौटता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के सामने अकेले में सब कुछ बता दिया। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा, इसलिए राजा आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाएं। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही रहता है, अन्यथा भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन नंदन तो अपनी अकड़ में था। नंदन ने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोलने का महत्व समझ आने लगा और करीब एक महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार के ऊपर बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त भी देख रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर जाने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते में बहुत बातें भी हुई। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम में बहुत अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम्हें सही दिशा में अगर इस्तेमाल करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों चलते चलते एक सुंदर से बाग पहुंच गए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर से फूल थे, जिससे बाग भी सुगंधित हो चुका था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने के लिए कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया।
अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा है गुलाब। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बड़ी तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते चखे, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। ये दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। फिर नंदन खुद को संभालते हुए गुरुजी से पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसको थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो बहुत अच्छा लगा तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी ही प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनसे प्रशंसा की उम्मीद कैसे करोगे, वे कभी भी दिल से तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत सा परिवर्तन होता है और बाद में वो एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया और वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय राजा बन गया। तो कुछ हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होता है। आम दिनों में हम अपने इस पर व्यवहार पर उतना गौर भी नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी से बात कीजिए, जब भी आप किसी के सामने जाइए या फिर अपने आप में जो भी गलत चीजें हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो कुशल व्यवहार होता है वही आपको समाज में प्रतिष्ठित रखता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।